हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओमवीर सिंह। आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो प्रिय साथियों, आज का टॉपिक है लहसुन। इस तरह खाओ लहसुन, दिखेगा 2 दिन में असर। लहसुन खाने का तरीका। सौ प्रतिशत फायदा मिलेगा आपको। तो मेरे प्रिय साथियों, लहसुन एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट है, जो कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है, जो हमारे उच्च रक्तचाप को कम करने में, हृदय रोगों को रोकने में, कैंसर से लड़ने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने और शुगर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। लहसुन की 2 कच्ची कलियां सुबह सुबह खाने के अनगिनत फायदे हैं। लहसुन की 2 कच्ची कलियों को काट लें, बारीक बारीक कुचल लें और सुबह गुनगुने पानी से खाएं। उसके आधे घंटे तक कुछ नहीं खाएं। लहसुन को 2 कच्ची कली कुचलकर नियमित रूप से खाने पर हार्ट अटैक कभी नहीं पड़ेगा। लीवर की सूजन को कम करता है। तो मेरे प्रिय साथियों, लहसुन के अनगिनत फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? दिल का कोई रोग नहीं होता है, किडनी को हैप्पी रखता है, हाई बीपी की समस्या को दूर करता है लहसुन, खून के थक्के नहीं बनते हैं, भविष्य में कभी भी हार्ट अटैक नहीं पड़ता है। नियमित 2 कच्ची कलियां लहसुन गुनगुने पानी से खाने पर पेट की सभी समस्याओं को दूर करता है, मोटापे को कम करता है। मर्दों के लिए तो ये वरदान है। एक्स्ट्रा एनर्जी, गर्म होने के कारण यह, इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए ये गर्म होने के कारण बहुत सेक्स करने में उत्तेजना उत्पन्न करता है लहसुन। तो मेरे प्रिय साथियों, लहसुन में एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट पाए जाते हैं। प्रदूषण से सांस लेने में परेशानी या टीवी
जैसी बीमारियों को नहीं होने देता है। सुबह सुबह दो कच्ची कली नियमित रूप से लहसुन खाने पर लीवर, किडनी, लंग्स हेल्दी रहेंगे। शरीर के अंदरूनी अंगों की साफ सफाई काम करने के काम आता है। शरीर में सारे विषैले पदार्थों को पेशाब की राह बाहर निकाल देता है लहसुन। तो मेरे प्रिय साथियों, लहसुन एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी बायोटिक होने के कारण माँ बहनों को मासिक धर्म होता है और महिलाओं को अगर किसी तरीके की परेशानी आती है तब दो कच्ची लहसुन की खाने पर चबा चबा कर गुन्ने पानी से खाएं, उसमें वो बहुत फायदा करता है। शुगर को कंट्रोल करता है, शुगर के लिए रामबाण औषधि है ये, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। मूत्र मार्ग से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसी लहसुन दूर करता है। लहसुन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को लहसुन नहीं खाना चाहिए। मेरे प्रिय दोस्तों, लकवा जिसे कहते हैं पैरालाइजिस या लकवे की रामबाण औषधि है लहसुन। खून के थक्के नहीं बनते, दिमाग की नसों में ब्लॉकेज आ जाती है तो उनको खोल देता है। लकवा हो जाने पर लहसुन के 8 पीस छीलकर 8 या 16 दाने काली मिर्च के और 8 पीस छुआरे के इनकी एक चटनी बना लें और सुबह दोपहर शाम खाएं। यकीन करो दोस्तों, लकवे जैसी रोग से भी निजात दिलाता है लहसुन। इसीलिए लहसुन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राकृतिक दवा है। लंबे समय तक आदमी बीमार नहीं पड़ता, मरते दम तक सारे रोगों से दूर रहता है। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, सुबह लेट्रीन जाने से पहले दो कच्ची कली गुनगुने पानी से चबा कर खाएं। लहसुन के अनगिनत फायदे हैं, तब देखें क्या गजब की चुस्ती फुर्ती होती है आपके अंदर। तो इसलिए आज से ही दो कच्ची कली लहसुन की सुबह सुबह कच्चा खाने गुनगुने पानी से सेवन करें। बने रहिए अंत तक, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी प्रेरणा मिले, थोड़ा सा भी जानकारी मिले, तो मेरे दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लहसुन से नुकसान क्या है? मेरे दोस्तों, लहसुन से केवल एक ही नुकसान है कि अगर आपने दो कली से ज़्यादा खा ली तो आपके सीने में जलन, दस्त, पेट की खराबी हो सकती है।
केवल ये नुकसान है, बाकी कोई नुकसान नहीं है। यह औषधि का भंडार है, कोई रोग आपको छू नहीं सकता। हार्ट हेल्दी रहता है, किडनी हेल्दी रहती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लीवर हेल्दी रहता है। इसलिए अपने सुबह की डाइट में नाश्ते से पहले दो कच्ची कली मेरे कहने से गुनगुने पानी से जरूर लें। शुगर कभी नहीं होती, शुगर का रामबाण इलाज है। 350 से अधिक शुगर है तो वो इसको खाए और आजमाए, शुगर तुरंत कंट्रोल होती है। पूरे दिन आदमी चुस्त दुरुस्त रहता है, खून का सर्कुलेशन बढ़ता है, लकवा जैसी बीमारी नहीं होती, हार्ट अटैक कभी नहीं होता, प्रदूषण से भी समस्या आती है, सांस का फूलना या हार्ट की बीमारी ये कभी नहीं होती दोस्तों। इसीलिए आज से ही अपनी दिनचर्या में, अपनी लाइफस्टाइल में लहसुन को जरूर शामिल करें, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जब स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस चीज का ध्यान जरूर रखें। आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।